हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू राम रूप शर्मा यूट्यूब चैनल। तो यार एनटीए की तरफ से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से एक आज ही नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी करा गया है 1 जुलाई 2022। तो फटाफट से इस इम्पॉर्टेंट नोटिस में पढ़ के देखते हैं भाई क्या लिखा है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है रीओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेईई मेन्स सेशन 2 जुलाई। तो भैया जिसका इंतजार था वही हुआ, सेशन 2 जो कि हमारा जुलाई में कंडक्ट करवाए जाना है, उसका हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट है, सेशन 2 है जेईई मेन्स का जुलाई मंथ में, दोबारा से सुन लीजिएगा, उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन कर दिए गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि देखा जा रहा था, लगातार डिमांड करी जा रही थी स्टूडेंट कम्युनिटी द्वारा कि भाई दोबारा से ओपन कर दिया जाए, प्लीज प्लीज प्लीज, और उनको सपोर्ट करने के लिए ये डिसाइड कराया गया है कि बच्चों को सेकेंड अटेम्प्ट के लिए दोबारा अप्लाई करने के लिए डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो एप्लीकेशन विंडो जो है सेशन 2 की ओपन कर दी जाएगी जैसे ही डिक्लेरेशन कर दिया जाएगा जेई फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही खतरनाक बात है, थोड़ी सी डरावनी है, थोड़ा सा आपको नेगेटिव फील करा सकती है। वो ये है कि एप्लीकेशन विंडो आपकी कब ओपन करी जाएगी, जैसे ही आपका जेई फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है। तो कैंडिडेट को ध्यान रखना है, इस वेबसाइट पर जाकर अपना बार बार रिजल्ट चेक करते रहें, यही हमारा नोटिस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है कि भैया सेकेंड अटेम्प्ट की जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो रीओपन कर दिया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कब ओपन करेंगे एप्लीकेशन विंडो, जब फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय, टेक केयर।